वेलकम बैक वंस अगेन नौकरीखबर.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ होम गार्ड्स यानी कि होम गार्ड विभाग की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए कांस्टेबल की, ड्राइवर की और ड्रम मैन की पोस्ट पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोग केवल और केवल कक्षा 8वीं पास हैं बिना किसी अदर डिग्री के, तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आपका मिनिमम 33% या पासिंग मार्क्स होना चाहिए कक्षा 8वीं के अंदर। इसके अलावा और कई सारी जानकारी आपको आगे प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसे कि आवेदन करने के लिए आपके पास केवल और केवल 15 दिसंबर 2021 तक का समय दिया गया है। अगर आप लोग 15 दिसंबर तक आवेदन नहीं करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिंक डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग भी होम गार्ड डिपार्टमेंट के अंदर कांस्टेबल, ड्राइवर या फिर ड्रम मैन की पोस्ट पर अप्लाई करके एक अच्छी सी पोस्ट पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं साल 2021 के अंदर, तो आप सभी लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर अपर लेवल की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूँगा, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो पहली और सबसे मेन बड़ी खास बात ये कि अगर आप लोग केवल कक्षा 8वीं पास है मिनिमम 33% के साथ, तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद सेकंड नंबर ये कि ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। थर्ड नंबर ये कि मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के लिए यहाँ पे बड़ा मौका आ चुका है, दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। फोर्थ नंबर ये कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आप लोग कर पाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। इसके अलावा आपकी एज क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और बाकी सारी चीज़ों के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोग यहां पे देख पाएंगे नोटिफिकेशन की डेट है 18/11/2021। इट मीन्स कि 18 नवंबर के दिन नोटिफिकेशन आउट किया गया है, यानी कि कल के दिन। यहां पे देखिए आरक्षी, आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रम मैन एवं आरक्षी वाहन चालक भर्ती हेतु विज्ञप्ति है। यहां पे आपको ऑनलाइन ही आवेदन करने होंगे और इसके बाद अगर नीचे आएंगे तो आपको आवेदन करने की डेट यहां पे देख सकते हैं 24/11/2021 यानी कि 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं, जिसकी आखिरी डेट 15/12/2021 यानी कि 15 दिसंबर की होने वाली है। अगर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको कितनी मिलेंगी, तो 135 यानी कि 135 पदों के लिए आपको आवेदन ऑनलाइन करने होंगे। यहाँ पे पोस्ट नेम आपके बता दिए गए हैं, आरक्षी वाहन चालक और बिगुलर और ड्रम मैन और आरक्षी यानी कि कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। भर्ती ये 2022 के लिए आ चुकी है। लिखित परीक्षा आपकी ऑफलाइन तरीके से होगी, OMR जिसको आप लोग बोलते हैं। इसके बाद अगर आप लोग नीचे आएंगे तो देखिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे, पहले ध्यान रखिएगा केवल और केवल आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे जो है तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने होंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे आइए, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी बोला गया है कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। वैसे यह नोटिफिकेशन हमने ओपन कर रखा है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद और नीचे आएंगे तो आपको और भी कई सारी यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कराई गई हैं। प्रवेश पत्र के बारे में जानकारी आपको दी जा रही है, भर्ती है तो रिक्त पद के बारे में जानकारी है। इसके बाद अगर आप लोग नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को रोटेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी और किन किन कैटेगरी में वैकेंसी है मेल एंड फीमेल के अंदर, यहाँ पे आप लोग इसको भी चेकआउट कर पाएंगे। टोटल 21 पेजों का नोटिफिकेशन है। आरक्षण के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है,
और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको और भी कई सारी जानकारी मिलेंगी। वेतनमान और पेंशन के बारे में जानकारी है, वेतन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद भर्ती हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए, अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए यानी कि इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। और इसके बाद जो आपका न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसको आप लोग हिंदी में शैक्षणिक योग्यता बोलते हैं वो क्या होना चाहिए, तो आरक्षी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय बोर्ड से कक्षा 8वीं पास होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कक्षा 8वीं पास है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ड्रममैन और बिगुलर की पोस्ट के लिए यहाँ पे भी बोर्ड से कक्षा 8वीं पास होना चाहिए। और अगर आप लोग वाहन चालक की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका कक्षा 8वीं पास होने के साथ साथ लाइसेंस चाहिए होगा। इसके अलावा आरक्षी को बोलते हैं कॉन्स्टेबल, ड्रममैन तो ड्रममैन हो गया और ड्राइवर को वाहन चालक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, आपकी एज क्या होनी चाहिए ये आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेकआउट करना होगा, यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो शारीरिक मापदंड है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सामान्य क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। पुरुष के लिए सामान्य क्षेत्र में 168, महिला के लिए 152, पहाड़ी में पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, महिला के लिए 140 सेंटीमीटर। सेम सीना का है, आप लोग देख सकते हैं। वजन होना चाहिए महिला का 47.5 किलोग्राम और इधर होना चाहिए 43 किलोग्राम पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। इसके बाद यहाँ पे जो मेडिकल होगा उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पे जानकारी है। शारीरिक दक्षता के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, तकनीकी योग्यता के लिए और विशेष योग्यता के लिए यहाँ पे आपका 4 स्टेप के अंदर सिलेक्शन होना है। तो लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है वहाँ पे देख पाएंगे, टोटल आपको यहाँ पे 120 प्रश्न मिलेंगे जो कि 120 नंबर के रहेंगे। ऑफलाइन बेस से आपका पेपर होना है। इसके अंदर यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग बेस्ट बुक रिव्यू देखना चाहेंगे तो इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे PET यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में जानकारी है, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में, उसको भी आप लोग देख सकते हैं कितने नंबर किस चीज़ के लिए मिलने वाले हैं। इसके बाद यहाँ से और नीचे आएंगे तो और भी कई सारी यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कराई गई हैं, इसके बारे में हम वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं होम गार्ड की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए कांस्टेबल की पोस्ट पर, ड्राइवर की पोस्ट पर और ड्रम मैन की पोस्ट पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किए जा चुके हैं। ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है। अगर आप लोग केवल कक्षा 8वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। डायरेक्ट भर्ती है, आखिरी डेट आवेदन करने की 15 दिसंबर 2021 की है। वेतन के बारे में जानकारी है और मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ध्यान से ऑन कर लें। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पे हमको सारे के सारे इम्पोर्टेंट लिंक्स मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहाँ पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख पाएंगे होमगार्ड भर्ती है 2021 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर्म PDF में जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अधिक जानकारी के लिए आपको linkworking.org की वेबसाइट पे चले जाना है। बात करें अगर टोटल नंबर वैकेंसी के बारे में तो वेरियस पोस्टें हैं, टोटल आपको 135 अलग अलग पोस्ट वैकेंसी के अकॉर्डिंग पोस्टें देखने को मिलेंगी, जहाँ पे कांस्टेबल की, ड्राइवर की और ड्रम मैन की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो 24 नवंबर 2021 से आवेदन शुरू होंगे जो कि 15 दिसंबर 2021 तक चलने वाले हैं। इसके बाद आपकी एज है जो कि कम से कम 18 और अधिक से अधिक 30 साल की होनी चाहिए। आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी नोटिफिकेशन के अंदर प्रोवाइड कराई गई है। देन आपको टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट मिलेगी, आप लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे होमगार्ड डिपार्टमेंट ही होने वाला है। बात करें वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन
कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको वेतन दिखेगा, वेतन आपको इनके रूल के हिसाब से ही पे किया जाएगा। इसके बाद एजुकेशन है, जहाँ पे केवल और केवल 8वीं पास यहाँ पे कंपलसरी है और मांगा भी गया है। कैसे आप लोग आवेदन करेंगे, तो 15 दिसंबर 2021 तक आपको आवेदन कर देना है। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें तो आपका चयन रिटर्न एग्जाम, PET, एवेलिटी, ट्रेड टेस्ट और NCC होम गार्ड कंप्यूटर टेस्ट के बेस पे होने वाला है। ये अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा कि आपका कौन सी पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। इसके बाद आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन का और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग नोटिफिकेशन वगैरह यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 24 नवंबर के दिन से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको आवेदन करने की वीडियो प्रोवाइड कराऊं, तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है। जितना जल्दी हो सके कम्प्लीट करें ताकि आपको आवेदन करने का वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।